हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वह आइडेंटिटी कार्ड के बारे में है कि कैसे आप आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो पार्ट वन के स्टूडेंट्स का है, पार्ट टू के स्टूडेंट्स का है और पार्ट थर्ड का है। और साथ ही पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी सेशन का इस वीडियो के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। जितने भी सत्र हैं जो कि पार्ट वन के भी हो सकते हैं, पार्ट टू भी हो सकता है, पार्ट थर्ड भी हो सकता है और पीजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो कैसे सभी छात्र अपना आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा उन्हीं के बारे में मैं आज बताने वाला हूं कि आइडेंटिटी कार्ड आ चुका है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, जिनका मैं अभी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर आईडी गूगल पे जाना है आपको। तो गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मुंगेर यूनिवर्सिटी लिख देना है गूगल पे जाने के बाद। तो जैसे ही आप मुंगेर यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है कि लॉग इन कर देना है। यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको लॉग इन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कि प्रिंट योर आईडी कार्ड। तो क्या करना है आपको, प्रिंट योर आईडी कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रिंट योर आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या होगा, आपके आईडी कार्ड का वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके फोन में वो सेव हो जाएगा। तो उसको सेव भी कर लेना है डाउनलोड करके। तो यही प्रोसेस है आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड करने का, जो कि स्कूल का कार्ड होता है। तो यह वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड और पीजी सभी छात्रों के लिए है मुंगेर विश्वविद्यालय का, जो कि अपना सबसे पहले तो जो मैंने अभी बताया आपको कि गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद मुंगेर यूनिवर्सिटी लिख देना है और मुंगेर यूनिवर्सिटी लिखने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा प्रिंट योर आईडी कार्ड। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे खुद डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उनको सेव कर लेना है अपने फोन में। तो इसी तरह आप आइडेंटिटी कार्ड को, जो परिचय पत्र भी बोलते हैं हिंदी में, उसको आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।